हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ थुम्बाड़ नाम की फ़िल्म की, जो 2019 में रिलीज़ हुई थी। ये फ़िल्म कम रिकॉग्नाइज्ड हुई क्योंकि ये फ़िल्म काफ़ी कम सिटीज़ में और उसके साथ साथ कम थिएटर्स में रिलीज़ की गई थी। लेकिन फिर भी अगर आप ये फ़िल्म आज भी देखोगे तो आपके दिल में एक ही चीज़ आएगी कि यार मुझे थिएटर में देखनी थी और मैं इसे देख नहीं पाया। मेरे लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है क्योंकि मैं इसे थिएटर में नहीं देख पाया, क्योंकि ये फ़िल्म बहुत अलग लेवल की मास्टरपीस है और उसी के साथ साथ ये फ़िल्म एक अलग लेवल का मज़ा आपको देगी जो शायद से बाकी और कोई फिल्म्स आपको दे ना सके। हॉलीवुड की फिल्म्स को आप 5 मिनट के लिए भूल जाओगे ये फिल्म देखने के बाद, क्योंकि यार ये इतने कमाल के विजुअल्स और उसके साथ साथ इतने कमाल के कैरेक्टर्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं और इतना अच्छा लेसन दिया गया है कि आप सभी को ये कहानी पढ़ते वक्त मज़ा आ जाएगी। ये कहानी को मतलब इस फिल्म को IMDb स्कोर मिला है 8.5 और वही रोटन टमाटोज में इट्स 90% फ्रेश। तो इसकी पूरी स्टोरी की तरफ आते हैं, आज मैं इसकी पूरी डिटेल्ड स्टोरी और उसी के साथ साथ डिटेल्ड एंडिंग के भी बारे में बात करूंगा। तो बिना वगैरह वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पूर्ति की देवी से, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देवी थी और उनके पास धन और अनाज का सोर्स था। उन्हीं के कोख से हजारों देवी देवताएं पैदा हुए जो बाद में चल के इस यूनिवर्स पे राज करने वाले थे, लेकिन उनका सबसे प्रिय पुत्र रहता है हत्सर। हत्सर काफ़ी ज़्यादा लाडला होने की वजह से उसने अपनी माँ से जिद करके सोना तो ले लिया था, लेकिन जैसे ही उसके हाथ अनाज की तरफ बढ़े तो सारे देवी देवताएं क्रोधित हो गए और उन्होंने हत्सर पे हमला करना शुरू किया। अब हत्सर अधमरा हो चुका था, इसी वजह से देवी ने उसे वापस बचाने के लिए उसे अपनी कोख में ही रखा, जहाँ पर उसे श्राप मिला कि आज के बाद वो कभी बाहर नहीं निकलेगा और कोई भी उसकी पूजा नहीं करेगा, ना ही वो किसी से पूजा जाएगा और ना ही उसे कभी अनाज मिलेगा, मतलब वो अनाज को छू नहीं सकता। अब यहाँ पर थुम्बाड़ गांव के लोगों ने हत्सर का मंदिर बना दिया, इसी वजह से सारे देवी देवताओं का क्रोध थुम्बाड़ पे बारिश बन के बरसता है। अब जो नरेटर ये स्टोरी नरेट कर रहा है, उसका बेटा उससे पूछता है कि हमने इसका मंदिर बनाया क्यों। तो उस नरेटर कहता है कि जो हत्सर का श्राप है वो हमारे लिए वरदान की तरह है। अब इस कहानी में ये कहानी 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें हमें एक खानदान के बारे में बताया गया है कि कैसे इस खानदान का लालच इसे पूरी तरह डुबा देता है। कहानी की शुरुआत होती है चैप्टर 1 से, जहाँ पे ये कहानी 1904 से ये कहानी की शुरुआत होती है चैप्टर 1 में। तो चैप्टर 1 में हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं, सदाशिव और विनायक। ये दोनों 8-9 साल के लड़के होते हैं। इनकी माँ सरकार नाम के एक साहूकार के लिए काम करती है एज अ मेड और मिस्ट्रेस, जहाँ पे वो साहूकार को सेक्सुअल प्लेजर्स देके एक्स्ट्रा पैसा लेती है साहूकार से और यहीं पर ही वो अपना घर बार भी चलाती है। विनायक और सदाशिव काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल किड्स है और उसी के साथ साथ वो अपनी माँ की हर एक बात मानते हैं। अब अचानक सरकार की मृत्यु हो जाती है, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, उनकी हेल्थ भी ख़राब थी, इसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद विनायक और सदाशिव की माँ ये डिसाइड करती है कि हम थुम्बाड़ छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। अब विनायक, सदाशिव और उसकी माँ के साथ एक और मेंबर रहा करता था जो उसकी दादी थी, लेकिन उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर विनायक अपनी माँ से कहता है कि अगर वो सरकार मर गया है तो उसकी पूरी हवेली हमारी हुई ना, तो उसका वो खजाना भी हमारा हुआ। एक्चुअली थुम्बाड़ में एक अफवाह फैली थी कि सरकार के वाड़े में एक बहुत बड़ा खजाना है और उस खजाने में बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है। अब यहाँ पे विनायक की माँ उससे कहती है कि सरकार अभी तक उस सोने को ढूंढ नहीं पाए तो हम क्या ढूंढेंगे। अब यहाँ पर विनायक और सदाशिव और उसकी माँ तीनों निकलने ही वाले थे कि तभी विनायक एक दो दिन पहले विनायक सदाशिव के साथ पेड़ की डाली पे खेल रहा था, जहाँ पर गलती से उसका पैर फिसल जाता है, सदाशिव का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। इसी वजह से उसके सर पे बहुत गहरी चोट आती है और उसका सर भी फट जाता है। यहाँ पे विनायक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो अपनी माँ को बुलाता है और उसकी माँ उसे दूसरे गाँव में लेकर जाती है वैद्य के पास ठीक करने के लिए। यहाँ पर वो विनायक को हिदायत देती है कि दादी को खाना खिला देना और अगर वो ज़्यादा तमाशा करे तो कह देना सो जा दादी वरना हत्सर आ जाएगा। अब यहाँ पर विनायक दादी के लिए खाना प्रिपेयर करता है और उनके कमरे में तक जाता है, खाना पहुँचा नहीं, लेकिन तभी दादी कहती है कि तुम्हें अगर खजाने के बारे में जानना है तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। अब यहाँ पर विनायक खजाने की लालच में दादी का कमरा खोलता है और उसके अंदर जाता है, जहाँ पर दादी उसे पकड़ लेती है। यहीं पर ही हमें दादी का पहला गैप्स दिखाया जाता है ग्लैंस दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी दादी काफ़ी ज़्यादा बदसूरत थी, उनके माथे पर एक कील लगी हुई थी और उसके साथ साथ उनके पूरे चेहरे पर पेड़ के रूट्स जैसा कुछ उगा हुआ था। अब यहाँ पर वो विनायक के ऊपर हमला ही करने वाली थी कि तब तक विनायक को अपनी माँ का वो फ्रेज याद आता है कि
फ्रेज याद आ जाता है और वो बोल देता है, सो जा दादी वरना हादसा आ जाएगा, और इंस्टेंटली दादी सो जाती है। अब यहाँ पे विनायक बच जाता है, लेकिन उसके पास एक बहुत बुरी खबर आने वाली थी, जहाँ पे उसे ये पता चलता है कि उसका भाई बच नहीं सका। उसके भाई को इतनी गहरी चोट लगी थी कि सदाशिव की डेथ हो गई। सदाशिव के डेथ के बाद उसकी पूरी पूरा पूरा ब्लेम उन्होंने, मतलब विनायक की माँ ने अपने सर डाल लिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उनके लालच की वजह से ये सब हुआ है। और वो विनायक के साथ थुम्बाड़ छोड़ने का फर्म डिसीजन ले लेती है, और इंस्टेंटली वो थुम्बाड़ छोड़ती है। लेकिन थुम्बाड़ छोड़ते वक्त विनायक अपनी माँ से कहता है कि खजाने का क्या हुआ, जहाँ पर विनायक की माँ विनायक पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि आज के बाद तुम इस खजाने के बारे में कभी नहीं पूछोगे, और तुम मुझसे शपथ लोगे आज के बाद तुम थुम्बाड़ कभी वापस नहीं आओगे। और यहीं पर ही चैप्टर वन ख़त्म हो जाता है। अब यार चैप्टर वन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि विनायक का जो पूरा खानदान था वो काफ़ी ज़्यादा लालची था, जहाँ पर उसकी माँ चंद पैसों के लिए सरकार को सेक्सुअल प्लेजर्स देती थी, वही विनायक को काफ़ी ज़्यादा सिक्के चाहिए थे, काफ़ी ज़्यादा सिक्के चाहिए थे अपनी लालच पूरी करने की वजह से। इसी वजह से उसकी माँ को उसकी लालच का फल मिल गया, जहाँ पर उसने अपना बेटा गंवा दिया। लेकिन विनायक को अभी तक अपनी लालच का फल मिलना था, क्योंकि वो तो अभी बच्चा ही था। अब कहानी आती है चैप्टर 2 में, जहाँ पर कहानी 15 साल बाद शिफ्ट होती है। विनायक अब बड़ा हो चुका है, उसकी माँ भी चल बसी है, इसी वजह से वो कहता है कि अब माँ ही नहीं रही तो उसका वचन क्या रहेगा। और यहीं पर ही विनायक थुम्बाड़ वापस रिटर्न आता है, जहाँ पर विनायक अपना पुराना थुम्बाड़ का घर देखता है, और वो पूरी तरह से तहस महस हो चुका था। घर के अंदर जाते ही उसे बहुत सारे पेड़ और डालियाँ दिखती है, उनको तोड़ ताड़ के वो अंदर जाता है, जहाँ पर उसे एक पेड़ से लदा हुआ इंसानी दिल धड़कता हुआ दिखता है। ये दिल और किसी का नहीं बल्कि विनायक की दादी का ही होता है, जहाँ पर विनायक अपनी दादी को देखता है और उनके पेट के ऊपर से पूरी तरह से पेड़ उग चुका था, जहाँ पर वो जिंदा थी, अमर थी, लेकिन वो पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी। अब यहाँ पर विनायक अपनी दादी को उठाता है और पूछता है खजाने के बारे में, लेकिन उसकी दादी कहती है कि लालच मत करो, अगर तुमने लालच किया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, इसी वजह से जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। जहाँ पर विनायक हंसते हुए कहता है कि मेरे अंदर यही एक गुण है और इसी गुण के चलते मैं ये सब कर रहा हूँ। अब यहाँ पर विनायक की दादी ये बताती नहीं है, कहती है कि तुम बहुत बड़ा लालची और कमीना है, तो फिर मैं तुझे कुछ भी नहीं बताऊंगी। लेकिन विनायक दादी को कहता है कि तू मुझे बता दे, मैं तुझे बहुत सारा पैसा दूंगा। यहाँ पर उसकी दादी कहती है कि मुझे पैसे नहीं बल्कि मुक्ति चाहिए। तो हमें ये बात पता चल रही है कि उसकी दादी भी कुछ सालों पहले थुम्बा सरकार के वाड़े में गई थी उस खजाने की खोज में, लेकिन हथसर ने उसे टच किया, इसी वजह से वो श्रापित हो गई। एक्चुअली हथसर के पास एक श्राप था, जिसमें वो किसी को भी अमर बना देता था, लेकिन वो ऐसा अमर बन जाता था कि उसका पूरा चेहरा, उसके साथ साथ उसकी पूरी बॉडी डिसफिगर्ड हो जाती थी, और वो अमर तो बनता था लेकिन वो मरने के लिए तरसता था। अब यहाँ पर विनायक की दादी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, इसी वजह से वो विनायक को खजाने का रहस्य बता देती है, और विनायक से कहती है कि मुझे जला के राख कर दो, इसी वजह से मैं मुक्त हो जाऊंगी। अब यहाँ पर विनायक अपनी दादी की अंतिम क्रिया करता है और उस वाड़े की तरफ जाता है, जहाँ पर वो उस वाड़े से सोना निकाल के आता है। अब सोना निकालते ही वो अपने शहर, अपने घर पे जाता है, जहाँ पर कोई उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसकी बियर्ड और उसकी मुस्टैस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन वो आता है और फिर उसके बाद अपनी बी और फिर उसके बाद वो अपने घर पे आता है और शेविंग वगैरह करता है, और फिर उसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है, मुनीम मुनीम के पास, जिससे उसने कर्ज लिया था। एक्चुअली मुनीम से उसने 40 रुपये का कर्ज लिया था कुछ समय पहले, और वो कर्ज चुकाता है अपने गोल्ड के कॉइन के साथ। उस समय गोल्ड के कॉइन की रेट 100 रुपये थी, और मुनीम ये देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और शॉक्ड हो जाता है कि इतना पैसा विनायक के पास आया कहाँ से। तो वो विनायक से पूछता है कि क्या तुमने कहीं चोरी वोरी तो नहीं की, तो वो कहता है ऐसा नहीं है, मैंने ये मेरा पूछते नहीं खजाना है जो जहाँ से मैं ये सारा पैसा ला रहा हूँ। अब यहाँ पे मुनीम को पता चलता है कि विनायक एक्चुअली थुम्बार से बिलोंग करता था, जहाँ पे वो ये बात जानते थे कि सरकार के वाड़े के अंदर खजाना था। तो इसके बारे में वो विनायक से पूछते हैं, जहाँ पे विनायक कहता है कि अगर इतनी हिम्मत है तो जाके ले लो खुद। यहाँ पे दोनों हंसते हैं, और फिर विनायक धीरे धीरे थुम्बार के सरकार के वाड़े से पैसे लाता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे विनायक की इकोनॉमिक स्टेट काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जहाँ पर वो खुद का एक बड़ा घर खरीद लेता है, उसी के साथ साथ वो खुद की बाइक तक खरीद लेता है। अब जो मुनि जिस मुनीम से विनायक कल तक पैसे मांगता था, वही मुनीम विनायक से उधार मांग रहा है, विनायक से कर्ज मांग रहा है, और यहीं पर ही विनायक काफ़ी ज़्यादा अमीर बन चुका था। जहाँ पर उसे इस बात का गिल्ट नहीं था कि वो लालची होता जा रहा है, धीरे धीरे उसके पास इतना पैसा आ रहा था कि वो अब धीरे धीरे अमीर बन चुका था, और इतना अमीर बन गया था कि वो अब उसके पास अब धीरे धीरे काफ़ी सारा पैसा आ चुका था।
अब यहीं पर ही एक दिन मुनीम को मिलता है सर्जेंट कूपर नाम का एक अंग्रेजी सैनिक, जो उसे एक ऑफर देता है जिसमें वो कहता है कि अगर तुम इसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे तो मैं तुम्हें इसके डबल पैसे दूंगा। जहाँ पर यह ऑफर मुनीम को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और ये ऑफर वो विनायक को सुनाता है, जहाँ पर विनायक इसे काफ़ी ज़्यादा मना करता है, कहता है कि मुझे इस ऑफर में कोई इंटरेस्टेड नहीं है और मैं तुम्हें इसके पैसे भी नहीं दूंगा। अब यहाँ पे मुनीम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो विनायक के खिलाफ रिवोल्ट मारने का ट्राई करता है, जहाँ पे उसे पता तो होता है कि विनायक का वो थुम्बाड़ का वाड़ा कौन सा था। इसी वजह से वो विनायक के पास एक मिस्ट्रेस छोड़ के चला जाता है कि वो विनायक का ध्यान भटका है, और यहीं पर ही मुनीम उस वाड़े में जाके खजाना चुरा ले ताकि वो विनायक से भी ज़्यादा पावरफुल बन सके। अब वो मिस्ट्रेस विनायक को ये बात बता देती है, जहाँ पर विनायक काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो थुम्बाड़ के लिए रवाना हो जाता है। अब वो थुम्बाड़ में मुनीम से पहले पहुंचता है, जहाँ पर वो पहले पहुंचते विनायक विनायक मुनीम को देख लेता है, लेकिन वो ऐसी एक्टिंग करता है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है कि मुनीम वहाँ पे है। अब मुनीम भी विनायक को देख चुका था, लेकिन वो छुप जाता है, और छुपने की वजह से उसे ऐसा लगता है कि विनायक उसे देख नहीं पा रहा है, पर विनायक उसे देख चुका था। जहाँ पर विनायक वेल के सामने वाड़े के कुएं के सामने वो एक आटे की गुड़िया बनाता है। उस आटे की गुड़िया में वो पत्थर डालता है और उस कुएं के अंदर जाता है, जहाँ से वो स्वर्ण मुद्राएं लाता है। अब ये प्रोसेस मुनीम कर विनायक को करते हुए देख लेता है। जहाँ पे जब विनायक वहाँ से निकलता है तो मुनीम उस कुएं के अंदर जाने की कोशिश करता है, रस्सी बंधी होती है, इसी वजह से मुनीम उस कुएं के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे एक बहुत बड़ी सुरंग दिखती है। उस सुरंग के अंदर उसे एक बक्सा दिखता है जो स्टील का बक्सा था और खजाने की तरह लग रहा था। यहाँ पे मुनीम काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उस बक्से को खोलता है, जहाँ पे उसे और एक लंबी सुरंग दिखती है। उस लंबी सुरंग में वो लालटेन लेकर जाता है और उस लंबी सुरंग के अंदर घुसते ही वो पूरा कमरा गोलाकार था, और उसी के साथ साथ वो लाल कलर का था और उसमें कुछ ब्लड वेसल्स भी थी। इससे हमें ये बात पता चलती है कि वो एक्चुअली पूर्ति की देवी की कोख थी और हदसर भी यही कही होगा। अब यहाँ पे मुनीम को एक डब्बा दिखता है, स्टील का टिफिन बॉक्स दिखता है, जिसके अंदर एक आटे की गुड़िया छुपी हुई होती है। वो इस आटे की गुड़िया को अपने हाथ में पकड़ लेता है, जहाँ से अचानक से पीछे से कोई तो भी आता है और मुनीम को पकड़ लेता है। अब विनायक भी उस सुरंग में जाता है, जहाँ पे वो पूर्ति की देवी के कोख के अंदर होता है, और अपने चारों तरफ वो आटे का घेरा बना लेता है। और यही घेरा बनाते वक्त वो मुनीम को देखता है, जो काफ़ी ज़्यादा डिसफिगर्ड हो चुका था और बदसूरत हो चुका था, और वो पूर्ति की देवी के कोख से चिपका हुआ था। अब यहीं पर ही विनायक उस आटे की गुड़िया को पकड़ता है और जोर से हदसर चिल्लाता है, और हमें हदसर का पहला ग्लांस दिखता है। हदसर काफ़ी ज़्यादा पतला था, उसी के साथ साथ उसके पास उसके दांत भी काफ़ी लंबे थे, और उसी के साथ साथ उसके पास एक स्वर्ण मुकुट भी था, और उसकी एक झोली थी जिसमें उसने वो स्वर्ण मुद्राएं छुपाए रखी थी। अब आटे के घेरे के अंदर अक्सर आ नहीं सकता था, इसी वजह से विनायक पहले तो उसे थोड़ा चिढ़ाता है, और इस बात से वो अक्सर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस मुनीम के हाथ को तोड़ देता है। इससे विनायक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसके ऊपर आटे की गुड़िया फेंकता है, और जब आटे की गुड़िया खाने में अक्सर बिजी होता है तब विनायक उसकी पोटली से पैसा चुरा लेता है। और ये बात जब अक्सर को पता चलती है तो अक्सर उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन वो उसके पीछा नहीं कर पाता, और इसी चलते वक्त वो मुनीम के ऊपर लालटेन फेंक देता है, जिससे मुनीम को आग लगती है और वो मुक्त हो जाता है श्राप से। अब विनायक एक्सिट मारता है, जहाँ पे हत्सर को ये बात पता चलती है और हत्सर उसका पीछा करता है, लेकिन विनायक जल्दी से क्लाइम करके उस पूरे दरवाजे को बंद कर देता है। और यहीं पर ही वो अपने घर की तरफ जाता है, जहाँ पे उस मिस्ट्रेस को भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो उसके ऊपर एक चोरी का आरोप लगा देती है उसकी वाइफ। और यहीं पर ही चैप्टर नंबर 2 ख़त्म होता है। चैप्टर नंबर 2 में हमें ये बताया गया है कि कैसे विनायक हदसर से पैसा चुराने की विधि करता था, और उसी के साथ साथ इसमें ऐसा बताया गया है कि कैसे उसकी दादी को भी श्राप ने ग्रसित कर लिया था। अगर हदसर ने किसी को भी छुआ तो उसे वो श्राप लग सकता था, और उसी के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा डिसफिगर्ड और अमर बन सकता था, लेकिन वो डिसफिगर्ड हो जाता था और उसे मृत्यु ही चाहिए थी, ना कि उसे ज़िंदगी चाहिए थी। इसी वजह से हदसर का श्राप काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, अमर होने के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक श्राप भी था। और यहीं पर ही सेकेंड चैप्टर ख़त्म होता है। अब थर्ड चैप्टर की शुरुआत होती है, जिसकी शुरुआत होती है इंडिपेंडेंस के 1 हफ्ते पहले। अब विनायक काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था, और उसी के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो चुका था। यहीं पर ही उसके अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो थुम्बाड़ में जाके वो सारी क्लाइंबिंग वाली एक्टिविटीज़ कर सके। इसी वजह से वो ट्रेनी ढूंढ रहा था ताकि वो विनायक के लिए पैसे ला सके। अब यहाँ पर विनायक का बेटा पांडुरंग, जो
जो 14 साल का हो चुका था, और उसके साथ साथ उसकी दो बेटियां भी थी, मतलब विनायक की दो बेटियां और एक बेटी बेटा था जिसका नाम पांडुरंग था। लेकिन पांडुरंग की एक टांग टूटी हुई थी, मतलब उसको पोलियो था, इसी वजह से वो विकलांग था। लेकिन फिर भी वो सर से पैसे चुराने की विधि की हमेशा प्रैक्टिस करता था और रस्सी से क्लाइंबिंग करने की प्रैक्टिस करता था। एक दिन विनायक पांडुरंग को ये करते हुए देखता है, जहाँ पे वो पांडुरंग को थुम्बाड़ किले लेकर जाता है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए। अब यहाँ पर पांडुरंग एक्साइटमेंट में विनायक से पूछता है कि ये थुम्बाड़ की कहानी क्या है, जहाँ पर हमें स्टार्टिंग में जो कहानी बताता है वो एक्चुअली विनायक और उसके बेटे के बीच का कन्वर्सेशन था, इसी वजह से वो मैं कहानी वापस रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। अब यहाँ पर विनायक और पांडुरंग दोनों उस हवेली की तरफ, उस बाड़े की तरफ आते हैं, जहाँ पर विनायक और पांडुरंग दोनों उस कुएं के अंदर जाते हैं। और जैसे ही हत्सर वहाँ पे आता है, उस वक्त वो दिखाना चाहता था कि उसे पैसे नहीं चुराने, लेकिन जैसे ही हत्सर वहाँ पे आता है, तो पांडुरंग उसके सामने आटे की गुड़िया फेंकता है और उससे पैसे चुरा लेता है। ये बात विनायक को काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगती है और हत्सर का ध्यान इसमें भटक जाता है और वो इन दोनों का पीछा करने लगता है, जहाँ पर ये दोनों भागते भागते कैसे दूर करके इसे क्लाइम करते हैं और हत्सर इन्हें छू नहीं पाता। अब बाहर निकलने के बाद विनायक अपने बेटे पांडुरंग को बहुत ज़्यादा पीटता है और डांटता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। यहाँ पे पांडुरंग मुस्कुराते हुए उसको अपना सिक्का दिखाता है। ये सिक्का देखते हुए विनायक काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि ये तेरी पहली कमाई है, तो इसे थोड़ा इंजॉय कर। अब यहीं पर ही विनायक के बेटे के अंदर विनायक से भी ज़्यादा लालच था, जहाँ पर उसे 14 साल की एज में ही सारा धन और उसी के साथ साथ हत्सर का सारा धन और उसी के साथ साथ लड़कियाँ भी चाहिए थी। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लालची था विनायक से भी। अब यहाँ पर विनायक को एक बुरी खबर मिलती है कि अब इंडिपेंडेंस इंडिया का हो चुका है, इसी वजह से उस वाड़े पे अब सरकार का राज आ चुका है और सरकार इस वाड़े को हमेशा के लिए सील करने वाली थी। इसी वजह से विनायक काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड में होता है। यहाँ पर विनायक का बेटा पांडुरंग उसके पास जाता है और उससे कहता है कि क्या हो गया, तो विनायक यह अपनी हकीकत बताता है, जहाँ पर पांडुरंग कहता है कि क्यों ना हम पूरी पोटली ही हत्सर की चुरा ले, हम बहुत सारी गुड़िया बनाएंगे और हत्सर के सामने डालेंगे, जिससे हत्सर उसे खाने में बिजी रहेगा और हम वो पोटली चुरा के भाग जाएंगे। ये आइडिया विनायक को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, इसी वजह से वो 25 से 26 आटे की गुड़िया बनाता है और उस कुएं के अंदर उन आटे की गुड़िया को लेकर जाता है। लेकिन जितनी आटे की गुड़िया होती है, उतने ही अक्सर वहाँ पे आते हैं और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो गुड़िया फेंके या क्या करे, इसी बीच ये दोनों एक्सिट मारने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर एक अक्सर विनायक को छू लेता है, लेकिन विनायक कैसे तो भी करके अक्सर की पूरी पोटली अपने पास रख लेता है। लेकिन अक्सर के छूने की वजह से अब विनायक को श्राप लग चुका था और ये दोनों जब बाहर निकलते हैं, तो फिर पांडुरंग विनायक को देखता है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि अब विनायक की हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुकी थी, जहाँ पर वो डिसफिगर्ड हो चुका था और हत्सर का श्राप उसे लग चुका था। अब यहीं पर ही विनायक के हाथ में पोटली थी जो वो अपने बेटे को देना चाहता था। वो कहता है कि ले ले इस पोटली को, लेकिन विनायक का बेटा काफ़ी ज़्यादा रोता है और वो इस पोटली को लेने से इनकार करता है और विनायक को जला देता है और विनायक को मुक्त कर देता है और वहाँ से वो निकल जाता है। उसे ये बात समझ में आती है कि लालच कितना बुरी भली चीज़ है और उसी के साथ साथ उसने इतना लालच किया, इसी वजह से उसने अपने पिता को गवा दिया और यहीं पर ही फिल्म की कहानी ख़त्म होती है। अब इसकी एंडिंग के ऊपर आते हैं, तो फिर सबसे पहले आपके मन में ये सवाल होगा कि जब विनायक सेकेंड चैप्टर में वो आटे का घेरा बनाता है, तब हत्सर उसको छू क्यों नहीं सकता। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली हत्सर को अनाज अलाउ नहीं था, लेकिन अगर कोई उसे अनाज अपनी तरफ से दे रहा है तो वो ले सकता था, और उस आटे के घेरे में घेरा जो बना के रखता था उसका अनाज हत्सर ले नहीं सकता था, इसी वजह से वो जल जाता था। और इसी वजह से जब विनायक ने वो आटे का घेरा बनाया, तब हत्सर जब भी उस अनाज को लेने जाता था तब वो जल जाता था। अब यहीं पर ही आटे की गुड़िया वो कैसे खाता था, तो फिर ये बात है कि अगर उसे कोई आटा दे या अनाज दे तभी वो ये खा सकता था, वरना ये सब वो नहीं खाता। अब यहाँ पे दूसरा कंक्लूजन यानी दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि आखिर इतने सारे अक्सर आए कैसे, अगर उसने 25 अनाज की गुड़िया बनाई थी, लेकिन 25 अक्सर आए कैसे। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि एक्चुअली जो आटे की गुड़िया थी वो थोड़ी बहुत अक्सर की तरह दिखती थी, इसी वजह से इतने सारे अक्सर वहाँ पर आ गए। और फिर तीसरा कंक्लूजन कि क्या जब ये दोनों बाहर निकले और इतने सारे हत्सर भी जब बाहर निकले तो वो अचानक से खाक बन गए, ऐसा क्यों हुआ। तो फिर मैं ऐसा मानता हूँ कि एक्चुअली हत्सर को श्राप मिला था कोख में रहने का, लेकिन अब वो कोख से अगर बाहर आता है तो देवी देवता है उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ पे वो राख बन जाता है। इसी वजह से जितने भी हत्सर वहाँ से बाहर निकलते हैं वो सारे जल के खाक हो जाते हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि
ये पूरे कंक्लूजन आपके शायद से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ इसकी एंडिंग की, तो मेरे हिसाब से इसकी एंडिंग काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लिखी गई है जिस हिसाब से इसकी एंडिंग को लिखा गया है। अब बात करते हैं कि क्या इसके एंडिंग को परफेक्टली लिखा गया है, तो जी हाँ, क्योंकि इसके चैप्टर वन की एंडिंग में हमें ये बताया जाता है कि विनायक की माँ को गिल्ट होता है अपनी लालच का, जहाँ पे इसी लालच के चक्कर में उसने अपना बेटा गंवा दिया था, और यहीं पर ही विनायक के बेटे पांडुरंग को भी गिल्ट होता है कि उसी लालच के चक्कर में उसने अपने पिता गंवा दिए, लेकिन विनायक को इसमें दुख नहीं होता है। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी स्टोरी का विलन एक्चुअली लालच है, और लालच है इसी वजह से लोग हमेशा कहते हैं कि लालच बुरी भली चीज़ है, और ये एक कहानी पूरी तरह से बताती है और पूरी पूरी तरह से आपको इसमें मज़ा भी देती है। तो फिर ये कहानी काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल है, मैं चाहता हूँ या फिर मैं रेकमेंड करना चाहूँगा आप सभी को ये कहानी देखने के लिए। तो फिर ये कहानी आप या तो टोरेंट से या तो फिल्म आप टोरेंट से देख सकते हो, या फिर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये फिल्म एक मास्टरपीस है, उसी के साथ साथ एक कल्ट मूवी है, तो फिर आप सभी को ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अब बात करते हैं इसके लवनेस और हेटनेस की, तो फिर लवनेस मैं एक ही कहूँगा कि यार ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा कमाल है, इसके एक्टर्स भी कमाल है। इस हिसाब से एक्टर्स ने इसकी एक्टिंग की है, खासकर सोहम शाह ने अपने रोल को बढ़िया तरीके से निभाया है। जिस तरह से उन्होंने निभाया अपने रोल को, वो विनायक के रोल में काफ़ी ज़्यादा सूट, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखे और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी दिखे है। अब बात करते हैं कि इसकी स्टोरी की, तो इसकी स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की, और इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने की वजह से ही ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट भी देगी, और एक अलग ही एक्साइटमेंट आप सभी के माइंड में होगा। अब बात करते हैं इसके बैडनेस की, तो बैडनेस में मुझे ऐसा लगता है कि अगर सदाशिव का कैरेक्टर इस फिल्म में नहीं होता तो शायद से इतनी ज़्यादा फिल्म में अफेक्शन नहीं होता, क्योंकि उसकी माँ तो ये थुम्बाड़ गाँव छोड़ने का डिसीजन ले ही चुकी थी, लेकिन सदाशिव का इतना ज़्यादा रोल नहीं था। उसका पार्ट वन में सिर्फ 10-20 मिनट का रोल था, अगर उसको ना भी लेते या फिर उसका मेंशन ना भी होता पूरी इसमें तो भी इतना कुछ ज़्यादा ये नहीं होता। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उसका रोल भी इतना ही इम्पोर्टेंट था जितना बाकी कास्ट का रोल था। अब यार आपको ये फिल्म कैसे, आपने अगर ये फिल्म देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और उसी के साथ साथ ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।